वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड मेरा नाम है कुश पांडे. आपका स्वागत है दोस्तों, मेरे भक्तों, इस शो के भक्तों और मेरे जिगर के टुकड़ों, अ वार्म वार्म वेलकम टू द शो दैट इज़ द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू. तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं सबसे पहले हमारे सैटरडे मोटिवेशन की ओर. दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक एंड एवरी वन हैज़ बीन गॉन थ्रू वेरियस इमोशंस. सम वन कैन बी हैप्पी, सम वन कैन बी सैड, बट इट इज़ मैंडेटरी इन दिस शो फॉर एवरी वन टू remain happy at all times. So with a very big smile, let's show you the Saturday motivation, guys. And here it is. Be strong but not rude. Be kind but not weak. Be humble but not timid. Be proud but not arrogant. So every emotion has an alter emotion, and you have to figure out how to have the good emotion and not the bad emotion, guys. तो चलिए शुरू करते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी अगली हमारे पहले आज की सुर्खी पर. उससे पहले दोस्तों, जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसका PDF है, that PDF shall be available on our YouTube channel. उसको आप description box में देख सकते हैं, जहाँ पर आप यू कैन क्लिक ऑन द लिंक जो कि आपको दिया हुआ है. उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पर उसको पा सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है दोस्तों कि द PDF शैल बी अवेलेबल वंस द शो इज़ ओवर. जब शो ओवर होगा उसके बाद ही आपका PDF होगा. ये वॉल्यूम चेक कर लें, मैं आराम से फिर से बहुत कोशिश करूँगा बात करने की. ऑल राइट, तो ये अवेलेबल आपका होगा. तो चलिए वापस स्क्रीन पर आएँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द शो गाइस. एंड अब आपको ले चलें हमारी पहली आज की इमेज पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. नवाज शरीफ हैज़ बीन सेंटेंस टू 10 इयर्स इन जेल. एवरीबडी थॉट इट वुड हैपन एंड इट हैज़ हैपन. जो नवाज शरीफ भाई साहब हैं वो उनको 10 साल की सज़ा मिली है करप्शन के ऊपर. पर सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान बट ही इज़ इन लंडन एंड ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू क्योर हिज वाइफ. एंड उनके अलावा जो उनकी डॉटर हैं उनको भी 7 साल की सज़ा एंड सन इन लॉ कैप्टन सफदार को भी 1 साल की सज़ा यहाँ पर दी गई है. नाउ द रीज़न वाई इट हैज़ हैपन गाइस, द रीज़न इज़ बिकॉज देयर नेम केम अप इन द पनामा पेपर्स. पनामा पेपर्स में इनके नाम आए थे, जिस वजह से इनको यहाँ पर ये सज़ा मिली है. सिमिलरली ही इज़ ऑल्सो बैंड बाय द कोर्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर लाइफ. मतलब लाइफ में भी ये पॉलिटिक्स में अब आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है. तो बहुत ही सिंपल दोस्तों खबर है कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, बहुत सिंपल सी खबर है कि नवाज शरीफ जी जो हैं वो अब 10 साल की सज़ा के लिए छुट्टी हो गई है एंड वो अब नहीं कर सकते. यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, जो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे वो है दिस गाइस. ये आप पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर पनामा पेपर्स. इसको एक बार आप देख सकते हैं जी. ये इनकी बेटी है, ये इनकी वाइफ नहीं है भाई. आप लोग सुबह सुबह तो अच्छे ख्याल रखो यार, ये क्या गंदे ख्याल रख रहे हो. चलिए तो आगे बढ़. अच्छा, पनामा पेपर्स की लोग बात है. पनामा पेपर्स बेसिकली आर अ सेट ऑफ पेपर्स विच बेसिकली डिटेल दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज मोसाक फनसेका. That particular company was instrumental in converting the black money of rich people around the world into white money. Mossack Fonseca is basically a shell company, was basically a shell company जो कि ये काम करती थी. तो यहाँ पर एक ही चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है पनामा पेपर्स से. ऑल राइट, वो चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा. चलिए तो आपको ले चलें इसी की हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स पर. आसान खबर है. एन एंटी करप्शन कोर्ट ऑन फ्राइडे सेंटेंस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू 10 ईयर्स इन जेल. 10 साल की जेल उनको कर दी गई है. और इसी के साथ ही वॉज ऑल्सो आउटस्टेड फ्रॉम हिज थर्ड टर्म. जो उनका थर्ड टर्म था उससे भी इनको हटा दिया गया है एंड थर्ड टर्म से इनको निकाल दिया गया था. और ये देश के बाहर भी हैं और ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. ऑल राइट, सो ये हमारी फर्स्ट खबर थी. अगर क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दो, येस सर दिस इज़ क्लियर. द हेडलाइन इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट बिकॉज सवाल यहाँ से बनेगा अबाउट द पनामा पेपर्स. उसको एक बार आप देख लेंगे. बिल्कुल रेखा जी, ये देखने बंदा तो बहुत शरीफ है पर ये शरीफ बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू अलेजेडली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. CGI अलोन इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर. गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव द फर्स्ट कीवर्ड दैट इज़ CGI.
And the second keyword that we have is that is the master of the roster. Now, CJI stands for the Chief Justice of India, number one. And master of roster means that he is the leader of the Supreme Court judges. I'll again repeat. CJI stands for Chief Justice of India, and a master of the roster means he is the leader of the judges of Supreme Court. Supreme Court ke jo judges hain, unke ye leader bhi hain. He is the master of appointing and allotting cases. For example, agar main Chief Justice hoon, to just give me 10 seconds, ye feel karne ke liye main Chief Justice hoon. If I am the Chief Justice, guys, then I am also the master of the roster. मैं master of the roster भी हूँ. मतलब क्या होता है इसका? मतलब I can allocate, I can discuss, I can prefer which judge to give a case. मेरे ऊपर है कि मैं किस जज को ये केस दूँ. वाह, क्या बात है. मतलब मैं दो मिनट के लिए बन क्या गया, मैं हवा में उड़ गया. सो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर है. दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ड है जो कि आपको यहाँ पर एक बार ज़रा देखना पड़ेगा. वन सेकेंड. एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड, वन सेकेंड. And that particular word is the collegium. So, Supreme Court, the Chief Justice is basically the master of the roster, and unki jo ek club hai, the group of judges or the five most senior judges, the first three or the five senior most judges form the collegium. तो कोलिजियम भी एक वहाँ पर होता है. कोलिजियम इज़ अ ग्रुप विच बेसिकली अपॉइंट्स न्यू जजेस इन सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स. तो वो भी इनके अंडर ही यहाँ पर आता है. तो एक सवाल यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है. देर कैन बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एग्जामिनेशन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द आंसर विल बी सी जी आई. एंड देर इज अ वर्ड कॉल्ड कोलिजियम. कोलिजियम इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस विच इंक्लूड्स द फर्स्ट थ्री और द टॉप फाइव सीनियर मोस्ट जजेस विच अपॉइंट judges in Supreme Court and also appoint judges in the High Courts. तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है. ऑल राइट, तो आइए दिखाते हैं आपको इसी का. ये तो ये सिंपल सी खबर आपके सामने आ गई है. तो अब आगे बढ़ते हैं. आई होप ये दो खबरें आप सबको क्लियर हो गया. अगर हो गया है एक बार कमेंट्स में डाल दें येस सर येस सर. ये दोनों ही खबरें हमें कवर हो गई हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. गवर्नमेंट टू डिप्लॉय 800 IAS ऑफिसर्स फॉर विलेज आउटरीच प्रोग्राम. जो हमारी सरकार है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बेसिकली सेंड अराउंड 800 IAS ऑफिसर्स फॉर विलेज आउटरीच प्रोग्राम. अब दीज ऑफिसर्स विल बी सेंड टू 117 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स गाइज आर कॉल्ड एज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. इन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है. सर वापस स्क्रीन पे आ जाएं. नाउ गाइज अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक पॉइंट एंड आई डिस्कस दिस इन द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स. तो पास समझिएगा कि इन इंडिया वी हैव बहुत सारे, वी हैव वेरियस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मीन्स दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच डू नॉट हैव द एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज और एसेंशियल गवर्नमेंट योजना. हिंदी में, भारत में कई पिछड़े जिले हैं और वो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आपकी नहीं पहुँची हैं. सो दोज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, दोज पिछड़ा जिला, उन्हें कहा जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. सो देर आर, जरा वापस PDF पे आ जाएं, देर आर 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग देम प्रोग्राम्स दे हैव सेंड अराउंड 800 IAS ऑफिसर्स. ऑल राइट, तो जो नंबर द मैजिकल नंबर गाइज इज 117, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया भी हुआ है. एंड दे हैव टू एन्श्योर that they extend, वापस स्क्रीन पर आ जाए, they have to ensure that they extend the ग्राम स्वराज अभियान by August 15. मतलब by August 15 every officer has to ensure that every of these districts has the ग्राम स्वराज अभियान which includes जनधन योजना, उजाला स्कीम, then it has सहज हर घर बिजली योजना. सो जो एक ग्राम स्वराज अभियान है वो इन जिलों तक पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर ये किया गया है. तो एक बार ज़रा लिख दीजिए कमेंट्स में, 3 पॉइंट्स हैं. नंबर 1, 800 IAS ऑफिसर्स विल बी सेंड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ग्राम स्वराज अभियान. पॉइंट नंबर 2, द पर्पज़ इज़ टू बेसिकली सपोर्ट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स.
aspirational districts are those backward districts which do not have the ample government yojana or the government service. And the last point, the deadline is August 15. By August 15, the aspirational district should have all these services, जो कि यहाँ दिया हुआ है. Well, लोग पूछ रहे हैं सर 115, यहाँ पर देखिए the Hindu कहता है 117, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, it says 117, all right? तो चलिए दिखा दें आपको इसी का the Hindu and static shots, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. A battalion of central government IS officers has been drafted to ensure on the ground implementation as the center races to saturate 117 aspirational districts with 7 flagship social welfare schemes by Independence Day. मतलब जो 7 welfare schemes हैं. And guys, यहाँ पर जरा मैं इसको mark भी कर दूँ. The one name of these 7 flagship schemes is Gram Swaraj Abhiyan. So, Gram Swaraj Abhiyan or a group of 7 flagship schemes, they shall be implemented by Independence Day in these 117 districts. Now, every of the IAS has been appointed and usko 75 gaav diye gaye hain and unme usko Gram Swaraj Abhiyan ko lagana hai by August 15. All right. Now, this particular program, that is the aspirational districts, was launched in the year January 2018 to quickly transform all these backward districts. Aur iske ye hain aapke main features. Agar aap point 4 ko nahi bhi padhenge, अगर आप पॉइंट फोर को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये सिर्फ यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एसबीआई के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो फोर्थ पॉइंट को एक बार पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या मेजर फीचर्स हैं. पर अगर यहाँ तक आपको क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दो, यस सर एकदम क्लियर है, मज़ा आ गया, छप गया दिमाग में, माँ कसम. ऑल राइट, आप लिख सकते हैं माँ कसम छप गया, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, बट यू कैन राइट इट. ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड अब दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. वेल कल से और आज में साउंड का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर कोशिश की है कि अपना जो साउंड है उसको कम ही रखें. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारी अगली सुर्खी, जो कि ये रही आपके सामने. मनोज कुमार पिंगुआ इज एक्टिंग MD ऑफ NFDC. NFDC के जो एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है मनोज कुमार पिंगुआ. मुझे लगा पिंगू नाम है, पर पिंगू नाम नहीं है, इनका नाम है मनोज कुमार पिंगुआ. गाइस बी फन, बिकॉज अगर ऐसे मैं उदास होकर पढ़ाऊँगा मज़ा नहीं आएगा, तो मेरा यही तरीका है. एंड कई लोग बुरा मान जाते हैं, पर गाइस दैट इज़ द वे आई एम. सो मनोज कुमार पिंगुआ इज़ द एक्टिंग MD ऑफ NFDC. ऑल राइट, नाउ गाइस NFDC स्टैंड फॉर National Film Development Corporation, and the previous MD was Nina Lath Gupta, who was terminated, and now the acting MD of the NFDC guys is basically Manoj Kumar Pingua, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया भी हुआ है. All right, ये चीज़ आपके सामने देख सकते हैं कि ही इज़ द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ NFDC. तो पिंगू साहब जो हैं वो आप ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, क्योंकि पिंगू वर्ड मजाक वाला वर्ड है. तो पिंगू साहब जो हैं, आदरणीय पिंगुआ साहब, ही इज़ द एक्टिंग MD ऑफ NFDC. NFDC बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. आसान खबर थी, आगे बढ़ते हैं और ये रही आपके सामने अब हमारी अदर हेडलाइंस. आज हमारी द हिंदू से खबरें कुछ कम थी, हम बिना बातें खबर क्यों बनाएं, सिर्फ 4 ही 5 खबरें थी हिंदू से. अब बात करते हैं हम अदर हेडलाइंस की और साथ ही साथ हमारी केस स्टडी की. ऑल राइट, सो आई होप एवरीवन इज़ नाउ ऑल रेडी एंड ऑल सेट फॉर द अदर हेडलाइंस एंड ऑल्सो फॉर द केस स्टडी. तो ये रहा आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन गाइस, पार्कर सोलर प्रूफ, दैट इज द फर्स्ट ऑफ आर हेडलाइंस गाइस. नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? नाउ गाइस, दिस इज बेसिकली अ मिशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सन. जो सन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, नंबर वन. नंबर टू, द मिशन इज़ डन बाय नासा. नासा इस मिशन को यहाँ पर करेगी एंड द प्राइमरी गोल इज़ टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव थ्रू द सोलर करोना एंड ऑल्सो एक्सप्लोर व्हाट एक्सेलरेट द सोलर विंड
ऑन सन. तो ये बेसिकली बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो पार्कर 16 प्रोब है बेसिकली इट इज़ एन हिस्टोरिक मिशन दैट इज़ डन बाय नासा. नासा का ये एक ऐतिहासिक मिशन है जो फोकस करेगा कि कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा सन को. ये मेन कंसेप्ट यहाँ पर है. तो दोस्तों सवाल यहाँ बन सकता है द पार्कर 16 प्रोब इज रिलेटेड टू. देयर विल बी टू आंसर्स. ईदर द ऑप्शन विल बी नासा और दी ऑप्शन विल बी अंडरस्टैंडिंग द सन. दे विल स्टडी द सोलर कोरोना द सन कोरोना एंड ऑल्सो द सोलर विंड्स ऑन सन. उन दोनों चीज़ों को वो यहाँ पर करेंगे. तो वो चीज़ ज़रा एक बार आप देख लीजिएगा. ऑल राइट, अगर ये क्लियर है आपको एक बार कमेंट्स में डाल दो. येस सर, येस इट इज़ क्लियर. कुमार सत्यम, कोरोना इज़ वन ऑफ द लेयर्स ऑफ सन. जो जो एक लेयर होती है सन की उनमें से एक आपका कोरोना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. श्रीनिवास शिनम, देर इज़ नो बिग न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टूडे. अगर आज कोई खबर बड़ी होती तो मैं डिस्कस कर लेता, अगर होगी तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे. सुधा पुतुला, स्टैटिक जीके है, स्टेट जीके है, वो एंड में आएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा. अगर ये आपको क्लियर है दोस्तों एक बार कमेंट्स में डाल दो. येस सर इट इज़ क्लियर. एंड साथ ही साथ आप शो को लाइक भी कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं और ये रही हमारी अगली खबर. ये दिखा चुका हूँ ऑलरेडी हम. ओके, गेमी यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, यूनेस्को. एंड मैं चाहूँगा कोई मुझे फुल फॉर्म बताए. यूनेस्को का फुल फॉर्म बेसिकली दोस्तों है क्या? यूनेस्को हैज़ एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द स्टेट ऑफ आंध्र एंड दे विल एस्टैब्लिश अ गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब इन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में अब बनेगा एक गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब. एंड इसकी जो पुष्टि हुई है, इसकी जो कन्फर्मेशन है, दैट कन्फर्मेशन गाइज इज़ डन बाय यूनेस्को. नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, एक बार ज़रा कमेंट्स में ये आप डाल दीजिएगा. नाउ दिस यूनिवर्सिटी दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ गेमिंग दैट इज़ बेसिकली हैपनिंग इन विशाखापट्टनम विल हेल्प यूनेस्को इन डेवलपिंग एडुटेक गेमिंग इन स्टेट, जिससे कि दे विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अराउंड 50,000 जॉब्स इन 10 years. सो आई अगेन रिपीट गाइज, इट्स अ वेरी सिंपल हेडलाइन. यूनेस्को विल बेसिकली हैज एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और आंध्र प्रदेश. दे विल एस्टैब्लिश अ गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब जो कि बनेगा आपका विशाखापट्टनम में. और दिस यूनिवर्सिटी विल हेल्प यूनेस्को टू डेवलप एडू टेक गेमिंग इन स्टेट, जिससे करीब 50,000 लोगों की यहाँ पर जॉब्स आएगी. देखो मेरे को फुल फॉर्म्स भी आ रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द फुल फॉर्म. थैंक यू सो मच कुमार सत्यम फॉर दी आंसर. बहुत लोगों ने और आंसर दिया है पर बिल्कुल आंसर ये आप लोग का सही है. तो आसान खबर थी दोस्तों. यहाँ सवाल एक ही बनेगा कि वेयर विल द नेशनल गेम यूनिवर्सिटी और दी डिज़ाइन यूनिवर्सिटी और द गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब सेटअप. वो जो आंसर होगा दैट विल बी विशाखापट्टनम एंड द स्टेट विल बी आंध्र प्रदेश. आगे बढ़ते हैं. उत्तराखंड High Court declares entire animal kingdom as legal entity. Interesting खबर है दोस्तों. It's a very interesting sort of a headline. जितने भी आपके जंतु हैं, जितने भी आपके animals हैं, specially in उत्तराखंड, उन सबको यहाँ पर legal entity माना गया है. मतलब they now have the civil rights. If anyone does a damage, does something which is wrong with them, then they will be treated as equal to humans, as equal to civilians in the court of law. तो जितने भी आपके animals हैं in the उत्तराखंड state particularly, all those animals guys will basically have been termed as legal entities. देखिए यहाँ दिया भी हुआ है और ज़रा मैं इसको पहले हटा दूँ. देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि all animals including avian aquatic, for example birds भी हैं, सब कुछ हैं, उनकी राइट्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी ऑफ अ लिविंग पर्सन. दे विल हैव देयर एनिमल राइट्स, एनिमल ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है. वेल गाइज, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द लॉ. लॉ के हिसाब से दो ही प्रकार के आपके लोग होते हैं. पहला होता है नेचुरल पर्सन और ह्यूमन बींग, एंड दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी ऑल्सो नोन एज लीगल पर्सन other than the natural person. तो दो तरह के आपके लोग होंगे. सबसे पहला होगा आपका that is the human beings that is natural person, and the other in the law is legal person or artificial person. तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा. भाई मेरी हेयर स्टाइल पर कमेंट ना करो, वैसे ही माई वाइफ इज़ वेरी पिस्ड ऑफ बाय माई हेयर स्टाइल. पर यार शो है, शो में हेयर स्टाइल मत देखो, शो देखो. सो बेसिकली इन कॉमन लॉ there are two types. Number one,
is a legal person and number two is an is a natural person. Natural person मतलब हम, मैं, आप, मेरी आँख है, कान है, नाक है, जो भी है, आपकी भी होगी. तो हम सब क्या हैं भाई, हम सब हैं ह्यूमंस. हम वैसा बर्ताव नहीं करते हैं, मतलब हम अजीब टाइप के हैं, बट स्टिल वी आर ह्यूमंस. अपार्ट फ्रॉम अस, फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी अ रिवर, इट कुड बी एन एनिमल, इट कुड बी समथिंग. वो सब चीज़ें अगर उसको हमें काउंट करना है तो ऑल दोज थिंग्स गाइज आर बेसिकली कॉल्ड एज एज लीगल पर्सन. ऑल राइट, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है. ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गया होगा. एंड ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने. दोस्तों इंटरेस्टिंग सी खबर है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये गॉसिप ज़्यादा है, बट ये इसकी जानकारी होना ज़रूरी है बिकॉज इन द इंटरव्यूज द एग्ज़ाम कैन दी क्वेश्चन कैन कम. वेल, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े चोर की जिनका नाम है विजय माल्या. तो इस कहानी को पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है. 2005 से शुरू हुई जब विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया विद मच फैनफेयर एंड देन इट ऑल्सो अक्वायर्ड एयर डेक्कन. आफ्टर दैट द मेन कंपनी दैट पेड अराउंड 55-50 करोड़ फॉर अ स्टेक इन दैट कैरियर एंड फिर कई सारे लोन्स मिले, कई सारे NPA बने. वो चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो कि यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं. सो ये स्टोरी है इंडिया की सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठतम, उच्चतम कोटि के चोर की, वो आप एक बार देख लीजिएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. चोर की बात करना पाप है, नदी किनारे साफ है. आगे बढ़ते हैं, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. ताइवान प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूज ऑफ चाइनीज ताइपे ऑन द एयर इंडिया वेबसाइट. वैसे भी एयर इंडिया कुछ खास तो कर नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा ही देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ताइवान गवर्नमेंट, इट इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ चाइनीज ताइपे वर्ड ऑन द एयर इंडिया वेबसाइट. जो एयर इंडिया की वेबसाइट है उस पर जो चाइनीज ताइपे वर्ड है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, बट दे शुड बेसिकली यूज़ ताइवान, ये कहा गया. मतलब वहाँ ये हुआ कि जो चाइनीज़ अक्वायर टेरेटरी है उसमें ताइवान को जोड़ दिया गया, तो उस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया गया है. ऑल राइट, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि द ताइवान गवर्नमेंट हैज़ बेसिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट्स कंट्री बींग शोन अंडर द चाइनीज ताइपे एंड उसके लिए उसने अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया है विद इंडिया एंड ऑल्सो विद एयर इंडिया. तो ये बहुत सिंपल खबर है, याद रखिएगा ताइवान के बारे में. आगे बढ़ते हैं. नाउ गाइस, एक राइनो था, उसका नाम आपको पता होगा. ही वॉज दी वन ऑफ दी लास्ट मेल नॉर्दर्न वाइट राइनोज हु पास्ड अवे. आई होप हिज नेम वॉज सुडान एंड नाउ देर आर ओनली टू राइनोज लेफ्ट, दैट इज दी नजिन एंड फाटू. यही आपके दो राइनोज बचे हैं इन द नॉर्दर्न वाइट राइनो कम्युनिटी एंड उनको बचाने के लिए नाउ टेस्ट ट्यूब एम्ब्रियोज शैल बी यूज, जिससे कि जो नॉर्दर्न वाइट राइनोज हैं इनको बचाया जाएगा. बड़ी खबर है एंड अच्छी खबर है बिकॉज फॉर अ चेंज सम पीपल थिंक अबाउट एनिमल्स एंड दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर. कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि दे कैन बेसिकली सेव द नॉर्दर्न वाइट राइनोज एंड सूडान. बेसिकली ही पास्ड अवे, वाज़ द वर्ल्ड्स लास्ट मेल वाइट नॉर्दर्न वाइट राइनो एंड नाउ साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो जो बचे हुए राइनोज हैं साथ ही साथ दे कैन इलोंगेट द फैमिलीज ऑफ द नॉर्दर्न वाइट राइनो. जो बचे हैं आपके राइनोज उनके नाम देखिए यहाँ पर दिए भी हुए हैं. उनके नाम बेसिकली हैं नाजिन एंड फाटू. बेसिकली दे आर लिविंग एट द ऑल पेजेटा कंजर्वेंसी एंड विच इज़ इन केनिया एंड अब वो चाह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड एम्ब्रियोज क्रिएटेड बाय फ्रोजन स्पर्म्स ऑफ द डेड नॉर्दर्न वाइट राइनोज एंड द एग्स ऑफ सदर्न वाइट राइनोज, हो सकता है कि जो आपका नॉर्दर्न वाइट राइनो की प्रजाति है उसमें और बढ़ोतरी मिले. इट माइट बी एक्सटेंडेड टू द कोर. तो वो चीज़ यहाँ पर आपके सामने देखिए दोस्तों दिया भी हुआ है. सो टेस्ट टू एम्ब्रियोज कैन बी यूज टू सेव द नॉर्दर्न वाइट राइनो. ये इस पूरी हेडलाइन का एक सारांश है, इट इज़ दी समरी. ऑल राइट, अगर ये क्लियर है. हाँ बिल्कुल चंचन सिंह जी, मैं माँ कसम खाता हूँ सही लिखा है. वो डॉटर हैं एंड वो ग्रैंड डॉटर हैं नाजिन एंड फाटू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. ऑलरेडी दोस्तों वी डिस्कस्ड अबाउट अरुणाचल, एक बार अरुणाचल को देख लीजिएगा. फिर हमने डिस्कस कर चुके हैं असम के बारे में भी, ये भी आपको मिलेगा आज के PDF में. देन वी डिस्कस आंध्रा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अशोक कुमार ठाकुर द हिंदू न्यूज़ ऑलरेडी हो चुका है आज का,
पांच खबरें थी हिंदू में आज, इंपॉर्टेंट वन डिस्कस कर ली, अब मैं आपको अदर हेडलाइन डिस्कस कर रहा हूँ। और राइट ठाकुर जी, चलिए अब बात करते हैं, बिहार की बात हमने कल कर ली थी, अब बारी है हमारे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ रायपुर, द गवर्नर इज़ श्री बलराम दास टंडन, द चीफ मिनिस्टर इज़ डॉक्टर रमन सिंह। इन टर्म्स ऑफ रिवर्स गाइस, वी हैव महानदी एंड रिहंद। अगर मिनरल्स की बात करें तो कोल है, आयरन ओर है, डोलोमाइट है, टिन है। इन टर्म्स ऑफ स्टेट एनिमल, वी हैड वाइल्ड बफेलो। स्टेट बर्ड, वी हैव हिल माइना, एंड स्टेट ट्री इज साल। सिमिलरली वी हैव टू नेशनल पार्क्स, थ्री नेशनल पार्क्स, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगड़ वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास और संजय नेशनल पार्क। सिमिलरली फोक डांसेस की यहाँ पर बात करें तो उनमें है पंथी, पंडवनी एंड रावत नचा, ये तीन फोक डांसेस हैं। सिमिलरली ट्राइब्स की बात करें, ट्राइब्स में आपका अगरिया है, बिरहोर है, बाइगा है एंड खारिया है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है जो कि रायपुर में है। देन वी हैव चित्रकूट फॉल्स जो कि दुनिया की, इंडिया की सबसे चौड़ी, सबसे वाइडेस्ट फॉल्स हैं, वो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। सिमिलरली वी हैव शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और साथ ही साथ राजनंदगांव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो कि राजनंदगांव में ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो वी हैव 12 हेडलाइंस गाइस। सो आज का जो हमारा PDF था उसमें आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, बिहार मिलेगा, आंध्र मिलेगा और अरुणाचल, असम मिलेगा और अरुणाचल मिलेगा। ऐसे ही इस PDF को हम और बढ़ाते आगे जाएंगे। तो ये है हमारी दोस्तों आज की लास्ट इमेज, सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन, इट लास्ट लॉन्गर। कभी परोपकार या सत्कार की उम्मीद ना करें, कभी रिस्पेक्ट की उम्मीद करें, कभी किसी की अटेंशन की उम्मीद ना करें, बिकॉज इफ़ यू हैव रिस्पेक्ट दैट लास्ट लॉन्गर। अटेंशन कैन बी गिवन टू गुड, बैड, फेलियर, सक्सेसफुल पीपल, बट रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज गिवन टू इंस्पिरेशनल पीपल, टू आइडल्स, टू पीपल हुम पीपल लुक अप टू। सो ऑलवेज सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन। विद दीज लाइन्स गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। आज का शो छोटा था बिकॉज आज हेडलाइंस ही कम थी। हम आपसे मिलेंगे फिर मंडे को सुबह 8 बजे, एंड आई होप आपको अगर शो पसंद आ रहा है तो आप शो को बिल्कुल दोस्तों से शेयर करिएगा। और प्लीज़, जैसे कि संजू मूवी को आपने 300 करोड़ रुपये दिलवा दिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका वर्ड ऑफ माउथ चाहिए कि आप लोगों से बताएं कि ये शो अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं लगता है आपको तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए कि क्या चीज़ें कमी हैं। एक कमी जो मुझे समझ में आती है, दैट इज़ इरेगुलरिटी, कि कभी कभी शो टाइम पर नहीं होता या शो लेट होता है या शो होता नहीं है, तो उसको हमने कवर अप कर लिया है। अगर मैं शो नहीं कर सकता तो अंतरा मैम शैल टेक ओवर द शो, तो वो जो इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी आपके इश्यूज हैं उसको आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बट प्लीज़, इफ़ यू लाइक द शो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ थम्स अप टू द शो बिफोर गोइंग, एंड सेकेंड प्लीज़ टेल एनी वन हु इज़ इन सर्च ऑफ अ गुड करंट अफेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे हम अब अगली बार, एंड इसका PDF हम आपको दे देंगे शो के जस्ट बाद। बाय, टेक केयर, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। भगवान आप सबको खुशहाली दे एंड आप सब मेरी तरह हंसते रहें। बाय, पीस आउट।